ब्रेक पर स्वागत। एक्जिट पोल आसवा आरंभ हो जाए। विभिन्न राज्य को लेकिन विभिन्न संस्था पक्ष एक्जिट पोल चित्र आम आपरे रखि सारी और लगातार भाव में रखुचु। आप टी स्क्रीन मध्यम देखिपुट ग्राफिकाल प्रेजेटेसन मध्यम आम आपरे रखुचु। कितु ये पांचटी राज्यर निर्वाचन फलाफल यार कौन प्रभाव रही है 2019 निर्वाचन को जातीय राजनीति को किभली भाव में प्रभावित करा राजनीति पर किसी प्रभाव यार रही कारण ओडिशार 2019 निर्वाचन हवाक जाऊँगी। आमर पड़ोसी राज्य में निर्वाचन अनुष्ठित होती है और तार फलाफल आसवे 11 तारीख में। किंतु एक्जिट पोल कौन कौन ए प्रसंगे आमर विस्तृत आनालीसीस आम पाखे लगातार अच्छा मनोज महापात्र अच्छा कांग्रेस मुखपात्र उमाकांत पट्टनायक आम सहित अच्छा बीजेपी नेता सुलोचना दास आम सहित अच्छा विजु जनता दल मुखपात्र वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीति समीक्षक रविदास आम सहित अच्छा। श्री रविदास आपको चाहिए जातीय राजनीति पर यार सीधासल कौन प्रभाव पड़े पांचटी राज्य निर्वाचन फलाफल नहीं पांचटी राज्य निर्वाचन फलाफल जदि व्यतिक्रम कि हुए देखु यही राज्यर निर्वाचन फलाफल जी मन करेंगे गत वर्ष 2014 लोकसभा निर्वाचन पूर्व होता अवश्य तेलंगाना नाला बीजेपी एककाल होता अलग अलग भाग कितु से समय भितर एवं बीजेपी जो भरण विजय होता से सूचना दूसरा जे को जगह देश राजनीति जाथर तार व्यतिक्रम 2019 कौन हम ये सूचना निश्चय निर्वाचन फलाफल मिल निश्चित मिल सब बड़ कथा सुलोचना निश्चय खुशी हे गोटे कथा ये गुड़े राज्य निर्वाचन होता भितर गोटे राज्य हूँ तेलंगाना जोटी गोटे राज्य दल क्षमतार अच्छे टीआरएस एवं राज्य दल रिपीट कर एक्जिट पोल अनुसार राज्य दल रिपीट कर सुलोचना से दृष्टि खुशी हम जे जी एगुटा जितिय दल कांग्रेस बीजेपी जहाँ जो राज्य दल गोटे फैक्टर नई पारे खुशी होगा आउ गोटे फैक्टर जे एंटी इनकम आसी कम मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भाई राज्य नहीं कौन फलाफल होती आप राजस्थान है कि मध्यप्रदेश में नहीं दुटा मत प्रकाश पाँच मध्यप्रदेश नहीं कि संपूर्ण भाव में दुईट मत विभिन्न एक्जिट पोल प्रकाश पाई तेनालीटा ठीक आम तो कही पार ना यदि भी कंट्राक्ट टेकर होता है मतलब भी किसी एंटी इनकम कम कर छत्तीसगढ़ को इज ए वेरी क्लोज रेस नही आपार जदिओ रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर मान पपुलार नवीन पट्टनायक जमीन पपुलार रमन सिंह इज अल्सो भेरी पपुलार शिवराज सिंह चौहान इज अल्सो भेरी पपुलार पॉपुलर हेले गोटे एंटी इनकम तल स्तर ग्राउंड लेवल विधायक मान विरुद्ध असंतोष रसंतोष गोटे कथा कहतु सीत रविदास बीजेपी हार जीत केन्द्र सरकार एवं मोदी छवि सीधा सड़क प्रभाव पक निश्चित भाव पक यदि बीजेपी से ही रे मुझे 2014 पूर्व यही सब राज्य मानक जो सफलता हार जहाँ था आम तो पुणी विश्लेषण करवा किए के भोट पाइला 2019 निर्वाचन फल सहित तो मुझे कहूनी केन्द्र सरकार कार्य मान जो परफॉर्मेंस एवं प्रधानमंत्री मोदी इमेज उपर प्रभाव पकेब किए तीन टी राज्य खास करी फलाफल कथ देखा तीन टी राज्य फलाफल जदि विरुद्ध जाए बा प्रतिकूल भाव जाए जो थे कि क्वेश्चन मार्क आसो निश्चित भाव नरेन्द्र मोदी आस कारण बीजेपी रे जी जहाँ कहने जदिओ यनिटाक राज्य जाने कहते सीटी सब निर्वाचन राज्य नेता मानक नहीं होता जमी एटी रमन सिंह नहीं होता से शिवराज सिंह चौहान को नहीं होता से बसुंधरा राजे कही नौला नरेन्द्र मोदी पिक्चर जब पोस्टर फोस्टर आप देखिए सी छोटे इमानकर सब लोकल लीडर राज्य नेता मैंने प्रमुख थे कि ओवरऑल भाव देश में जातीय स्तर में बीजेपी नेतृत्व कहले नरेन्द्र मोदी द्वितीय जातीय स्तर दल संगठन कहले अमित शाह तेणु सीधा सल भाव से प्रभाव न पड़ निश्चित पड़ो निश्चित पड़ो कारण जिते 2019 राहुल गांधी राजनैतिक भाग्य कोई राज्य निर्वाचन फलाफल प्रभावित कर निश्चित भाव में राहुल गांधी दल दायित्व नेला सीधा सल भाव देखिए जो निर्वाचन होती कर्नाटक आ पंजाब पंजाब कर्नाटक गुजरात कर्नाटक गुजरात
ए दुईटा कर्णाटक रे कांग्रेस निजे सरकार थिला सरकार हारिगला कांग्रेस किंतु संघ कांग्रेस कौनसी प्रकार गोटे मेंट सरकार सेठी करि पाला गुजरात रे जितिला निशत किंतु गुजरात रे कांग्रेस स्थिति रे जथेष्ट उन्नति होगला एकदम क्लोज रेस तेणु राहुल गांधी जो अवस्था 2014 थिले एबे सेही अवस्था रे नांती एटा बहुत स्पष्ट ओके राहुल गांधी 2014 रे जो अवस्था थिले से अवस्था रे तांकर जे जथेष्ट उन्नति हेइछि ओके ए कथा मध्ये परिष्कार हेइतला एबो ए निर्वाचन फलाफल परे कारण एही सब राज्य मानक रे कोनोस्टी रे कांग्रेस दल राज्य रे कोनोसी मुख्यमंत्री प्रार्थी प्रोजेक्ट करिनि सो जातीय नेतृत्व भित्तिरे अनेक जगह रे निर्वाचन जदियो राज्य रे माने ता अछन्ति किंतु से दृष्टि राहुल गांधी मी मेन फेस कारण तांकर से मुख्यमंत्री भाव का प्रोजेक्ट करना तीन टाक राज्य ओके मनोज बाबू आप कथा को लेकिन आसती राहुल गांधी जातीय नेता भाव में छवि उन्नति अवनति सबकि निर्भर करुच्चे तीन टाक निर्वाचन फलाफल नरेन्द्र मोदी जो कथा श्री रविदास कहले नरेन्द्र मोदी जिते नथिला ये निर्वाचन तीन टाक राज्य खास करी तीन टी प्रमुख राज्य जोटी कांग्रेस बीजेपी भितर सीधासलख टक्कर छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान नरेन्द्र मोदी जिते इनवल्वमेंट नथिला राहुल गांधी दुई गुणा बाटू बहुत अधिक तेणु राहुल गांधी भविष्य व राहुल गांधी छवि बहुत किसी निर्भर करुच्चन टाक निर्वाचन फलाफल मनोज बाबू जहाँ रबू कहले यहाँ ही सेमिफाइनाल सेमिफाइनाल से तीन टा स्टेट मिजोराम एवं इटा भी इलेक्शन नथिला 2013 रे आज से अवस्था आसी ये तीन टार रिजल्ट ही प्रतिफलन हम केन्द्र रे को सरकार कर पूर्वर मु कही सारी जे 13 बाइपुल हेची जोटा पार्लियामेंट रे नरेंद्र मोदी को विरुद्ध रे 13 एक एक्सेप्ट गोटे कर्णाटक रे आको पुओ को छाड़ देले दुरापुआ पुओ को आ सब गुडा नरेन्द्र मोदी को विरुद्ध रे जाई 2013 रे सिचुएशन कौन थी केन्द्र रे आमर यूपीए सरकार थी राज्य रे ये दुटा जगार बीजेपी सरकार थी सेठी जेतिक आंटी इनकम बेसी नथिला एबे सेंटर रो नरेन्द्र मोदी सरकार आंटी इनकम बेसी प्लस स्टेट रो आंटी इनकम बेसी जेतले जॉइंटली आसीबो ये तीनटा राज्य आम सपक्ष रे जीव बोली आम दृढ़ दाबी करू एवं जेतिक रैली करिसेंदी नरेन्द्र मोदी सेतिक रैली मध्ये करिसेंदी राहुल गांधी एटी कंपेयर होउछि राहुल गांधी और नरेन्द्र मोदी भितर प्रतियोगिता मध्ये होइछि जहाँ भारतवासी देखुछन्ती जहाँ मीडिया रे आसुछि ए प्रतियोगिता होइछि एवं ए प्रतियोगिता रे नरेन्द्र मोदी जितिबे कि राहुल गांधी जितिबे एटा मध्ये स्पष्ट होबो एटा मध्ये देश को स्पष्ट वार्ता जीव ये जहाँ उमा बाबू कहते चाषी समस्या गोटे बड़ समस्या मध्यप्रदेश में गुड़ कले चाषी को एवं मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जन भल चिफ मिनिस्टर से संदेह ना भल लिडर किंतु आंटी इनकम बेस किए कलाकर जी मिसरूल आंटी इनकम बेस नाला नरेन्द्र मोदी मिसरूल से मिसला नरेन्द्र मोदी मिसरूल कौन कहे शस्य बीमा क्षेत्र में आम एकदम तलू को जा 2016-17 और 2017-18 2000 कोटी टंका देइछन्ती भारतवर्षर चासी बीमा कंपनी मानुकु बीमा कंपनी माने चासी को केते फेरैछन्ती बीमा कंपनी माने चासी के फेरैछन्ती 12000 कोटी प्रॉफिट कार हेछि 11000 कोटी 11000 कोटी टंका प्रॉफिट देइछन्ती नरेन्द्र मोदी तार प्रिय बंधु बीमा कंपनी मानुकु ये होछि देशर अवस्था शस्य बीमा कथा रे कोन राज्यवासी छकिछन्ती एवं सेही आवश्यकता नै आपण कहू छथि पेट्रोल डीजल शस्य बीमा रा आवश्यकता नै आपण कहू छथि नै नै आवश्यकता अछि किंतु जेतेला शस्य बीमा रा आवश्यक मोदी सरकार के चीट करी से चीट टाक तो लोके सीए कही एमएसपी देढ़ गुणा करू कौन होती चाषी तार से भी अभाव बिक्री सड़ुंत छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश यही मैक्सिमम समस्या से लोक देखुं पेट्रोल डीजेल गैस एकदम हाई अच्छी केवल इलेक्शन 15 दिन जहाँ नरेन्द्र मोदी कृपा ये रेट बढ़ी नहीं सेटा को लोके बुझुना सीए कही दरदाम बढ़ोनि दरदाम बढ़ी कि नहीं टंका तुलना रे डॉलर रो मूल्य से जहाँ कहते बर्तमान लोक देखुं जस्ट अपोजिट छत्तीसगढ़ रे राजस्थान कांग्रेस क्षमता को फेरु ना कौन है बार राहुल गांधी करो छवि तीनटा राज्य रे नरेन्द्र मोदी करो ये तांको दलीय दलीय सरकार से सप्ताह रे आसुचंती ओडिसा को मुह नै कि आसी कोन आसीबे आसी कि कोन करिवे एबा देखिले केमदी डेस्टिनेशन करिचंती तितली रे
तितली रे टंका काटि दिया है जी ओडिसा रे से को से बातिया भरणा दवा पई आसीबे okay. किंबा ओडिसा गोटे गरीब राज्य बोली स्पेशल असिस्टेंस दवा पई आसीबे कोन पई आसीबे ओडिसा से तो जो बडो प्रश्न वर्तमान नरेंद्र मोदी ओडिसा आसीबे कोन पई आसीतिले झारसुगुडा विमान बंदर बंद होइगला वर्तमान आसी कोन कहबे से भलो कहि परंते एटो बडो प्रश्न रहउछ नरेंद्र मोदी को पई से विकास कथा सबले कहउतिले देखिछन राजनीतिर विकास कथा कहिछन से कोन कहिछन मु गरीब सबले सिंपाथी नबा पई चेष्टा करछन गरीब हिसाब रे सिंपाथी नउतु गरीब ए एकुटिया मनमोहन सिंह माँ मरी जाइन तीन वर्ष से छोट छुआ होते मनमोहन सिंह बापा कौन गरीब नाला देखी जन दस वर्ष प्रधानमंत्री केवे कही मुझ गरीब मत दया कर बोली ओबामा माँ बापा कौन थे सी अमेरिकार राष्ट्रपति थे सी के मुझ गरीब मत भोट दिव okay, ये कौन चलती भारत प्रधानमंत्री ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଗଛରେ ଫଳେ ମନମୋହନ ସିଂହ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଗଛରେ ଫଳେ ସମୟ ନଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ସୁନା ମ୍ୟାଡାମ ଦଳର ଯିଏ କମିଟି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଭୁଲ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପେନାଲ୍ଟି ପାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ମିଛ କହିଥିଲା ହରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ଏବେ ପେନାଲ୍ଟି ପାଉଛନ
एमपि नहीं गोटे कैबिनेट मिनिस्टर ओडिसा को देनी आंकर कोनी से अधिकार नहीं ओडिसा 60 वर्ष शासन करचु करी करचे हम 60 वर्ष शासन करी भटेबा ओडिसा रु गरी भटेबा आ इंदिरा गांधी कहिले ओडिसा को इस्पात रो भेटी दवा सेकंड इस्पात कारखाना करबा कोन करचे अरे राउरकेले 5000 कोटी टका देके एक्सपांड करलो मोदी आसी के गंडा मारले फिता काटले मनोज बाबू मनोज बाबू प्रसंग बाहर को एग्जिट पोल पांच राज्य निर्वाचन फलाफल राजनीति को नहीं बहुत प्रसंग बहुत रही परवर्त समय आम वितर्क करूँ आगे जारी रहा आप आगे एक्जिट पोल फलाफल विभिन्न संस्था पक्ष चित्र आम आगे रखी कि बर्तमान समय गोटे छोटो ब्रेक नहीं जा खूब शीघ्र फेर 2019 सेमिफाइनाल पांचटी राज्य एक्जिट पोल फलाफल आम सामना को आसी जाए लगातार भाव में विभिन्न संस्था विभिन्न एजेन्सी पक्षर जो एक्जिट पोल कर तार चित्र रखीचु फरक आसूँ एक्जिट पोल फलाफल भितर कहापाई खुशी तो कहापाई दुख कथा आसूची कौटी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी किए क्षमता पुणी थे क्षमता बजाय रखे कहते तो विभिन्न संस्था कहते जे टक्कर हो पाए कड़ाकड़ी टक्कर और बीजेपी हाथ क्षमता चली जाए कि गोटे कथा राजस्थान क्षेत्र में सबू एजेन्सी मत बा एक्जिट पोल सामान रोची जे बीजेपी हाथ क्षमता चली जाए कांग्रेस से क्षमता को फेर जहाँकि सबूत जो कथा मैडम कहते सुलोचना दास दुई दशंधि धरी जो कथ सब भितरे क्षमता अदल बदल से या देखा मिल पाए मुझे चाहिए मैडम सुलोचना दास आपण पांचटी राज्य निर्वाचन फलाफल ओडिशा राजनीति को कौन भाव में प्रभावित कर सीधा प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव किसी प्रभाव पड़े कि देखु प्रथम कथा हूँ ये पांचटी जाक राज्य बीजेडी कौन सी भूमिका ना बट जेहेतु जातीय दल एदी आप देखिए जो कथा रवि भाई कहते केवल टीआरएस को छाड़ी देले तेलंगाना को छाड़ी देले आउ जदि नागालैंड को सॉरी मिजोराम को जदि छाड़ देबा ताले बाकी तीनोटी रे सही नेशनल पार्टी दुईटी जाक ही लागिचंती एवं जहाँ जणा पड़ुछि किए जितिबो किए हारिबो दैट इज डिफरेंट थिंग किंतु जिए भी जितु गोटे जातीय दल सेठी रहिछि तेणु जातीय दल ताकु मध्य रिप्लेस करिवो सेठी गोटे रीजनल पार्टी रो कोनोसी भूमिका नाही आउ जदि विजु जनता दल कथा कहबा निश्चित भाव तार नेबरिंग स्टेट को आमे जेहेतु देशर गोटे स्टेट एवं देशर नागरिक देशर गोटे राजनीतिक दल रीजनल पार्टी आमर निश्चित भाव रे आमे वाचफुल अछु आमर नेबरिंग स्टेट तीन टारे निर्वाचन होउछि तेणु नेबरिंग स्टेट एवं जातीय दल दुईटी जाक ओडिसा रे मध्य अछन्ते तेणु
ଆମର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ଆମ ଉପରେ। କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଲେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଖୁସି ହେବ ନା ବିଜେପିକୁ ସଫଳତା ମିଳିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଉ ପତନ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱାଚଫୁଲ ରହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ସହିତ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ, ବିଜେପି କୁହେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ? ଆଜ୍ଞା ଆମର କଣ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିତେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମର ନଥିଲା ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ରଖିଥିଲା, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ହାତରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆମ ହାତରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଧରି ରଖୁଛି, ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଜାତୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ୱାଚଫୁଲ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ଭଲ ସେନାପତି, ସିଏ ଯିଏ ତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାଚ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ୱାଚ କରୁଛୁ, କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ଗଲା କାହାର କଣ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ୱାଚଫୁଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସୁଧ ରବିଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏଇଆ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ କଣ ମନା କରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଆଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କ ପତନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ହେବ? ଧରନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଏ ଯେତେ ଯାହାନ୍ତୁ ଆମର ତ 100% ଲୋକ ଆପଣ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 40% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି 42%, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 60% ଲୋକ, ତେଣୁ ସେ ମତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତା ସିଧା ସରକାର ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସଫଳ ହେଉଛି? ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ସଫଳ ହେଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯିଏକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଧାରଣା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବୋଧେ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଥିଲା ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ। ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣାର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ 3 ଆଗ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏକଦମ ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ବିଜେପି ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ସଫଳତା ପାଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ଯେତେ 2019 ବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ, ସେମାନେ ହାରିଲେ ମନ ପ୍ରେସର ଦେବେ, ଏଠି ଜିତିଲେ ହିଁ ପ୍ରେସର ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର 2019 ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଲସ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଆଡୁ, ଯଦି କୌଣସି ଆଡୁ ସେ ସଫଳତା ପାଇବେ କିଛି ପୂରଣ କରିବେ, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦି ଇଲେକ୍ସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ, ଏବଂ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାଉ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ପାଇକ ଦୁର୍ଗ ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ଗ ସେଠି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେଗୁଡ଼ା କଥା ସେ ଫୋକସ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହବ ନାହିଁ ଲୋକ କେତେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ମନୋଜ ବାବୁ, ସମୟ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମକୁ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟିଂ ଦେବ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଏ 3 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସମୟ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗରିବର ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସସ୍ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପିସି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋରାଲ ବୁଷ୍ଟିଂ ପାଇବ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସରକାର ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଠି ବି ଆମର, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ
2014 ইলেকশন যেতবে অতি প্রতিকূল পরিস্থিতি দেই কংগ্রেস গতি করতুলা 26.7% ভোট কংগ্রেস পুল করিতলা কংগ্রেস সপক্ষরে ই হচ্ছে কংগ্রেসর স্থিতি হচ্ছে ওড়িশা রে আজ 26.7% ভোট যেতলা আমার থিলা এবং আমি যদি সেতিকে এ বুঝি পাইব এবং আমি আউরি কনসেন্ট্রেট করিব ন্যাচারালি আমি সরকার গঠন করিব ওকে উমাবু সংক্ষেপে আপনকর মতামত যদি বিজেপি সফল হচ্ছে ওড়িশা রে কোন সংগঠন উপর প্রভাব পড়িব সংক্ষেপে রূপে আর সকারাত্মক প্রভাব পড়িব এবং ভারতীয় জনতা ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଆଜେଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା ପୁରା ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ତା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର ସହାୟକ ହେବ ଓକେ ଓକେ ଦି ଲାଇନ୍ରେ ଦି ଲାଇନ୍ରେ ଓକେ ଦି ଲାଇନ୍ରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ତାର ଆଜି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା ଯେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଗ୍ୟାସୁଟଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତ ରବିଦାସ ମାନବ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୀତ ଉମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିଯାଇଛି ସାମ୍ନାକୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପୋଲ୍ରେ କେତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି 11 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସମୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।